उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद रहे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बीते 28 मार्च को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से उनके परिवार द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें जहर दिया गया था। अब इस मामले पर मुख्तार के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वो मारा गया और रुस्तम उर्फ बाबू उनका साथी था, वो मारा गया और जवाबी कार्रवाई में जो हमलावरों में से एक वहां मौके पे मारा गया, जिसकी 10 दिन बाद सिग्नल करके पुलिस ने बताया ये मनोज राय है, बिहार का रहने वाला। अब उसके पास से मौके से कार्बाइन बरामद हुई। वो हमला करने वाला एक अक्यूज्ड है। पुलिस जांच हुई, चार्जशीट लगी, केस का ट्रायल अब शुरू हुआ। अब मुलजिम की एप्लीकेशन पर, मुलजिम के याचिका पर मामला गाजीपुर के न्यायालय से ट्रांसफर होकर के लखनऊ पहुंच गया और खेला ये किया गया कि 22 साल के बाद घटना एक है, उसकी दूसरी स्टोरी गढ़ दी गई। दूसरी स्टोरी ये गढ़ दी गई कि 15 तारीख को नहीं, 14 तारीख को मुख्तार अंसारी ने अपने ड्राइवर और अपने साथियों को भेज के और बक्सर बिहार कोई थाना है वहां से बिहार से उठा करके उसको लाए थे, उसके बेटे को मार के फेंक दिए। घटना एक, कहानी दो। एक कहानी की FIR 15 अप्रैल 2001 को लिखी गई और विवेचना हुई। एक कहानी की FIR मोहम्मदाबाद थाने में 23/23/2023 में लिखी गई। सीधी सी बात है, पूरी सरकार उसको बचाने के लिए नंगी होने को तैयार है। सारे इलाके का हर हिंदू मुसलमान गरीब अमीर सब जाइए थूक रहा है कि अगर इस घटना को भी झूठा कहा जा रहा है, जो मुख्तार पे आक्रमण हुआ, तो ये इतना बड़ा झूठ है जैसे आकाश को धरती कहा जाए, धरती को आकाश कहा। लेकिन ये कर रही है सरकार। कौन है अंधा जो दिखाई नहीं दे रहा कि वो माफिया डॉन बृजेश सिंह, जो देश के सबसे बड़े शत्रु दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज है, उसको कितना संरक्षण देके पुलिस कितना VIP ट्रीटमेंट दे करके आज घुमाया जा रहा है। गवाहों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्तार जेल में है, गवाही कर देगा। 7 गवाह गुजर चुके हैं, अभी और इंजर्ड विटनेस गुजरने हैं। अगर बीच में मुख्तार का काम तमाम कर दिया जाए, बाकी इंजर्ड विटनेस जो हैं वो भी घबराएंगे और मुख्तार खुद एक बहुत बड़ा साक्ष्य था, वो साक्ष्य मिट जाएगा।